डूबा हुआ है वो मेरे साथ है अभी। आपका नाम क्या हुआ? बम बम बंदा। आपका कितना वार्ड है? नौ आधा। क्या सब परेशानी हो रहा है आपके साथ? पानी पानी का गरम, क्या पानी का दिक्कत है? पानी का घर है। और आपने कितना नंबर है घर में? पता नहीं, नौ नंबर। बाथरूम बना दिला छे सात वार्ड में, हमरा सनिक ने बना दिला छे। तोरा सनिक ने ना काहे ऐसा काहे है वार्ड? इधर आइए थोड़ा। हां हमरा खाना नहीं ले सकता लो देबे बाबू। ये दोस्तों अगर बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी वो है बाढ़ पानी का, और ये हर साल का परेशानी है, एक साल का नहीं हर साल। सबसे ज़्यादा बिहार ही इसमें जो है डूबता है, और बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसको बेघर कर देते हैं। आज ही ऐसा ही चीज़ मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ जो बहुत सारे परिवार को रोड पे लाके छोड़ दिए हैं, और वो रोड पे सो रहे हैं और नहीं खाने के लिए कुछ है, नहीं सोने के लिए छत है। तो वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आइए मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ये बाढ़ पानी से क्या हुआ है, वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हैं जोश तक न्यूज। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे इधर आप देख सकते हैं, पीछे पानी जो है यहाँ घर में ये घुस गया है, और यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया भी है, यहाँ के वार्ड जो है वार्ड को भी बुलाया, और बहुत सारे लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया था, कुछ लोग आए हैं कुछ नहीं आए हैं। तो मैं इन सभी से बातें करता हूँ। तो देखिए जिनका घर डूबा हुआ है वो मेरे साथ है अभी। आपका नाम क्या हुआ? बम बम बंदा। आपका कितना वार्ड है? नौ आधा। क्या सब परेशानी हो रहा है आपके साथ? पानी पानी का गरम, क्या पानी का दिक्कत है? पानी का घर है। और आपने कितना नंबर है घर में? पता नहीं, नौ नंबर। अच्छा कोई अभी तक देखने आए हैं कि नहीं? आपका आपका वार्ड कौन है? वार्ड वार्ड नंबर सुवाद। वो आए थे अभी तो? हाँ अभी नहीं आया। नहीं आए हैं? कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी तो घर में देख रहे हैं पूरा पानी है। वहाँ थोड़ा दिखाइए, वहाँ देखिए पूरा घर में पानी है, ना बैठने के लिए, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए, कुछ भी वहाँ नहीं है। और ये लोग कहाँ रह रहे हैं? इधर देखिए पानी, देखिए जिनका घर डूबा हुआ है ये देखिए पानी कितना है। मुझे लगता है कमर से अधिक होगा, कमर से ज्यादा होगा, इतना पानी से ज्यादा होगा, ठीक ना। वहाँ घर देखिए, मैं आपको नजदीकी से दिखा रहा हूँ, घर देखिए घर में कितना पानी है। और अभी तक मैंने कल ही आके यहाँ देखा था, अभी यहाँ कोई नहीं आया है, जो वार्ड है सरपंच है मुखिया है कोई भी नहीं आया है। और मैं ये आपको बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के रुपौली प्रखंड के कोयली सिमरा पश्चिम पंचायत सपहा गाँव का ये दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ किस तरह घर में पानी घुसा हुआ है, और कोई भी अभी तक यहाँ नहीं आया। मैंने बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया है, बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए भी हैं, बहुत सारे नहीं आए हैं। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वहाँ देखिए कितना पानी है, और जिनके पानी जिनके घरों में पानी घुसा है उधर भी अंदर बहुत सारे है, इधर भी है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। जिनका जिनके घर में पानी घुसा हुआ वो मेरे साथ है अभी। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला आप कितने वार्ड में है? नौ वार्ड में। आपका वार्ड मेंबर आए थे? कोई ना आए हैं? कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ सो रहे हैं? चूरा चुना नहीं खाचे, सत्तू खाचे, और कहाँ सो रहे हैं? दिखाइए इधर, दिखाइए कैमरा मैन, मैं चाहूंगा आप थोड़ा पीछे जाके इधर दिखाइए, तो इधर दिखाइए, यहाँ देखिए किस तरह से ये रह रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, यहाँ सब चीज देखिए आप। यहाँ देखिए यहाँ ना खाने के लिए सही से कोई व्यवस्था है, ना सोने के लिए, बताइए ये लोग कैसे, क्या इनका हक नहीं है? ये वोट नहीं दिए थे, ये समाज के नहीं है। कितने वार्ड का पंच? नौ वार्ड का जी। यहाँ जो ये समस्या हुआ है, क्या कहाँ बनाया हुआ पंच? पंच बने हैं तो हम लोग बोल रहे हैं, अगला आदमी कहाँ जा रहा है? कोई नहीं बोले हैं, वार्ड का भी बोले, मुखिया जी के बोले, क्या बोले, नहीं करेंगे? नहीं बोल रहा की करेंगे कब करेंगे? नंबर वार्ड के आपका भी इधर वोटर है? हाँ मेरा वोटर है इधर। कहाँ है आपका? मिले जुले वोटर है, 7, 9, 8 सब मिले जुले है। उसके भी घर में पानी घुसा है? हाँ सभी को पानी घुसा है। उसको कुछ दिए हैं अभी तक? ना कुछ दीजिएगा, सुनिए वीडियो सी आएगा तब नहीं हम दिलाएंगे। तो कहाँ ये जाएंगे? ये जाएंगे वहाँ? ना हम जाएंगे, ना हम तैयार हैं जाने की। कब जाइएगा? सब जाएंगे ना, सब हवा में बात मत मारिए, सुनिए सब जाएंगे। कैमरा बोल रहे हैं वो सही बोलिए, ठीक ना? आप दिला सकते हैं? दिला सकते हैं? कब तक में दिलाइएगा? कितना दिन में? जाते हैं सीओ से कहेंगे, कल को बोलेंगे कि मेरा वार्ड में पानी है चारों बगल, बीच में गांव है। चलिए आप कहिएगा, कहने का काम करवाते करवाते कितना दिन लगेगा आपका? कितना दिन लगेगा? ये 5-6 दिन? 5 दिन 7 दिन? एक सप्ताह? ना एक सप्ताह नहीं, 5-6 दिन में कर देंगे। जो ये लोग यहाँ सो रहे हैं रोड पे सो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था की है? हाँ खाने के लिए व्यवस्था की, व्यवस्था की, क्या व्यवस्था? चूरा दिला देंगे। क्या चूरा दिला देंगे? हाँ। कब दिलाइएगा? सीओ सब कहेंगे, सीओ सब लिख को दिए हैं कि दिलाइए सभी को। दिला दीजिएगा? हाँ दिला देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कालो देवी। कालो देवी? हाँ। कितने वार्ड के हैं? 7 नंबर वार्ड का है। इधर कितना वोटर है आपका?
इन जो है नी सात या आठ नौ तीनों मिल रहा है। तीनों का छोड़िए, आप अपने वार्ड का बोलिए पहले। मेरा वार्ड में सारे 500 वोटर है। इनके वार्ड इसका वोटर कौन सा है यहाँ पर? हाँ आप लोग साथ में है ना? हाँ नहीं मिलेगा तो आप लोग हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? तब इसको पूछेंगे कितना दिन में मिल जाएगा। 5 दिन के अंदर में। 5 दिन के अंदर में? हाँ 5 दिन के अंदर में, ठीक है। ये 5 दिन के अंदर में बोले हैं आप लोग को मिल जाएगा। डीएम साहब क्या ये आपको चुने हैं? ये आपको चुने हैं, ठीक ना? पहले सुनिए, ये आपको चुने हैं, ठीक ना? आपका काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप वहाँ आगे खबर पहुँचाए कि यहाँ पानी घुस गया, घर में रहने के लिए जगह नहीं है, आप आगे खबर पहुँचाइए। वो आएंगे, वो यहाँ देखेंगे, सब बिकोली को देंगे। वहाँ पर बी डी ओ सी ओ एस डीएम सब अथी रहेगा तब नहीं देगा? अभी जो है बारिश का भी थोड़ा प्रॉब्लम से काट लिया। आप लोग बिजली लिए? बिजली इधर नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है, यही वजह। बिजली हमेशा यहाँ पे जो है 2-4 दिन में कट जाता है, बिल बराबर आता है सबके पास। बिल उतना ही लेता है जितना हर एक आदमी से बिल लिया जाता है, बिल उतना ही लिया जाता है। मगर अभी भी देखिए चारों तरफ लाइट होगा, इस जगह ई वार्ड में लाइट नहीं होगा। इस ट्रांसफार्मर से भी लाइट नहीं जल रहा, ट्रांसफार्मर में लाइट है। आप कितने वार्ड से हैं? हम 7 वार्ड के हैं। आप अपने वार्ड को कहिए। हम अपने वार्ड को कह रहे हैं हम बिजली बिजली का है ना, एसडीओ की गलती है। गलती किसका है? एसडीओ की गलती है। एसडीओ का क्या है गलती है? गलती है। आप बोले क्या? मां तो बोलता है कि महीना महीना बिल आता है, देते हैं पैसा, अब वहाँ पर लाइन नहीं देता है। बिजली बिल कोई नहीं देता है? ना बिजली ना नहीं देता है। यहाँ तो सब बोलेंगे चलिए उधर इधर देखिए, इधर कितने सारे लोग हैं, सभी के साथ ये सेम प्रॉब्लम है, ठीक ना? बाढ़ के पानी में सब कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं। और मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम और आप लोगों को इधर दिखाना चाहता हूँ। कैमरामैन इधर थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहाँ देखिए ये रोड है, ठीक ना? ये रोड जो बना है फ्री में बना है, ठीक ना? किसी किसान ने पैसा नहीं लिया है, किसान के खेत से मट्टी फ्री में कटा गया, कोई एक बार रोक नहीं लगाया, ठीक ना? फिर भी ये रोड देखिए, इधर सूखा पड़ा हुआ है, उधर पानी है। और यहाँ देखिए यहाँ रोड में, यहाँ इधर देखिए ध्यान से, रोड टूटते जा रहा है। जब भी पानी आता है, खतरा से पहले हम लोगों का फर्ज बनता है एक सतर्क होना, ठीक ना? जब भी पानी आता है इससे पहले जो है इनको यहाँ बोरी में बालू डाल के यहाँ रखना चाहिए ताकि ये टूटे नहीं। अब ये टूट जाएगा, ये फिर से बनाएंगे, फिर से खर्च होगा। तो वहाँ उधर दिखाते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है यहाँ पर। यहाँ पे बताइए, कुछ दिन पहले जो है 2 साल शायद से पहले कुछ बच्चा डूबा हुआ था। हाँ डूबा हुआ था, दो बच्चा डूबा हुआ, दो। तो क्या उसको मुआवजा मिलने से उसका वो चीज मिल गया? मुआवजा मिलने से थोड़े बच्चा मिल जाएगा, कभी मिलेगा बच्चा? कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इधर के हैं, कितने वार्ड से हैं? हम 7 वार्ड से। 7 वार्ड के, ठीक है। वहाँ देखिए पानी है, पूरा पानी है, आप लोग तो देखे होंगे इधर। यहाँ देखे हैं कि वहाँ देखिए वो साइकिल लेके जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, ठीक। अभी वो गिर जाएगा, डूब जाएगा, तब क्या कीजिएगा? क्या हम क्या करेंगे? हम लोग का भी फर्ज बनता है कि वो अभी रेड अलर्ट वो एरिया बंद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? नहीं बताइए पहले, बंद होना चाहिए पहले? हम लोगों का जो फर्ज बनता था कि जिस समय रोड बन रहा था हम लोग फ्री जितना मन मिट्टी काटना है काटने दिए, ऊंचा करना चाहिए इन सरकार को। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को देखो साइकिल से जाता है, ठीक ना? और इसका कोई गारंटी नहीं है कब टूट जाएगा, कब धस जाएगा, कब क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना? पैसा कम देता है तब नहीं देता है। लोग फ्री में रोड बनाते हैं ना? फ्री में तो नहीं है बनाए, पैसा किसान रोका था रोड बनाने से? कोई किसान रोका था रोड बनाने से? रोड बनाने से कोई किसान रोका था? तकनीक कहाँ गया है? डीएम साहब जो लेता है पीसी वो कहाँ गया? देखने के लिए कभी आया कि कैसा रोड बन रहा है नहीं बन रहा है? तब ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे नहीं बन गया, सारा गलती डीएम का है। और इसमें थोड़ा सा मट्टी भर, सारा गलती एमपी एमएलए विधायक तीनों गलती है, थोड़ा ये निचल का आदमी को। डीएम साहब यहाँ आए हैं एक बार भी के? अभी कहाँ आया? अभी नहीं आया, ना अभी नहीं, पहले 2018 में आया राहुल जी, डीएम जो था राहुल जी, अभी आया तो कहाँ आया घूरने के लिए कि देखेंगे चारों बल पानी है कैसे है जनता नहीं है। चलिए अभी अभी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी वो एरिया बंद करवाइए, अभी वो एरिया बंद करवाइए। आप वार्ड है ना, वार्ड मेंबर है, आप अभी वो रास्ता बंद करवाइए, उसको कह देंगे सब। नहीं तो वो कोई बच्चा उधर जाएंगे खेलने कूदने के लिए, उसका जान चले जाएगा, फिर आप लोग तमाशा देखिएगा, तमाशा देखने। सुनिए, सालों में पानी आता है कोई पश्चिम पंचायत में, ये साल हर साल आए, हर साल आता है पानी, थोड़ा
तक पानी नहीं आता। हाँ, तो हम लोगों का फर्ज क्या बनता है, वो एरिया अभी बंद होना चाहिए, पूरा पानी चलता है। अभी हम वहाँ देखे ना कोई रोड दिख रहा था ना और कुछ, और बच्चे लोग दौड़ रहे थे इधर से उधर, वो गिर जाएंगे डूब जाएंगे, फिर वहाँ पूरा गाँव आएगा तमाशा देखने के लिए। देखिए वहाँ बच्चा डूब गया उसको।